सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग अस्थि पर बात करेंगे कि अस्थि क्या है, आखिर अस्थि का क्या अर्थ है। देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में इसको बताया गया है, अस्थि अर्थात चोरी न करना। आपने सुना भी होगा, सत्य अहिंसा अस्थि अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत भी, जैनियों का पंच महाव्रत भी है। और हमारे पतंजलि ने भी जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम में सत्य अहिंसा अस्थि अपरिग्रह ब्रह्मचर्य, नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो सोचिए, जो यम है, यम में ही सत्य अहिंसा अस्थि अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। तो अगर कोई यम का भी पालन करता है तो उसमें अस्थि अर्थात चोरी न करना यह बताया गया है। बच्चा जब छोटा रहता है तभी उसके गुरुजन माता पिता चोरी करने पर डांटते हैं, मारते हैं और पीटते भी हैं। कहते हैं चोरी करना गलत बात, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन बालक तो बालक होता है, उसे जो पसंद आया वो ले लेता है। पहले चोरी करना बालक घर में ही सीखता है। यहाँ तक तो ठीक था, ये बचपना कहा गया, लेकिन यह समाज में आज बड़े स्तर पर चोरी हो रही है। अब चोरियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो किसी को पता ही नहीं चलता। अब शास्त्रों में इसे वर्जित किया गया है कि ऐसा न हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा जो समाज है इसमें अराजकता का माहौल होगा, समाज सही से या सुदृढ़ नहीं हो सकता। कुछ चोरियां अप्रत्यक्ष होती हैं, कुछ प्रत्यक्ष होती हैं। जो प्रत्यक्ष होती हैं उसको तो दंड आप दे सकते हैं, डांट सकते हैं, फटकार सकते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो भैया। लेकिन जो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है, उसको कैसे पकड़ोगे। उसको तो जो चोरी कर रहा है वही जानेगा ना, आपको तो पता नहीं चलेगा। तो उसे कोई पकड़ भी नहीं पाता है, बस कह लेता है, लगता है ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, और बड़े आराम से मलाई खाता है। लेकिन जब वर्जित है, जो चोरी करता है उसको तो सोचना चाहिए ना। जब चोरी करना हमारे शास्त्रों में वर्जित है तो हम चोरी क्यों करें भैया, नहीं करना चाहिए। अब देखिए, प्रत्यक्ष, आपने किसी को देखा कि आपका ईंख चुरा रहा है, क्योंकि अधिकतर जो होता है व्यक्ति अपने पेट के भोजन के रूप में ही कोई चीज़ चुराता है, खाने पीने की वस्तु जल्दी चोरी करता है। इसके बाद अलग सी चीज़ है कि इमारती कोई कीमती वस्तु की चोरी करता है, लेकिन पहले आप देखेंगे जो बचपना में आएगा, खाने की वस्तु ही बच्चा चोरी करता है। कोई भूखा व्यक्ति है तो भी चोरी करता है। इसके बाद उसके मनोबल में जब उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है, उसे दंडित नहीं किया जाता है, तब उसका मन बढ़ने लगता है और वह आगे बहुत बड़ी चोरी कर सकता है या बहुत बड़ा चोर बन सकता है। लेकिन जो अप्रत्यक्ष है, अब अप्रत्यक्ष को देखिए, जैसे आप दाल खरीदने जाते हैं, दाल में कुछ कंकड़ और ईंट होते हैं। भाई, हम पैसा दे रहे हैं दाल का ना, कंकड़ और ईंट शीशे का तो नहीं देते हैं। लेकिन पता चलता है आपके 1 किलो दाल में 5 ग्राम 10 ग्राम ऐसे ही निकल गया, कुछ तो सड़ा ही निकल जाता है, कुछ इस प्रकार के निकले, कुछ मूसियाँ निकल गई, काम खत्म। भाई, हमने पैसा उसका नहीं दिया है, यह इस प्रकार की चोरी ही है। आप चावल लेने गए, चावल में छोटे छोटे शीशे के कण मिल जाते हैं, इकड़े मिल जाते हैं। यहाँ तक कि आज मालूम चल रहा है कि प्लास्टिक का चावल आ रहा है। सोचिए, जो मिला रहा है व्यक्ति उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक नस्ल को मार देंगे। प्लास्टिक का चावल अगर कोई व्यक्ति खाएगा, कैंसर जैसा रोग उत्पन्न हो जा रहा है, तो मानव जाति ही समाप्त तो हो जाएगी। ऐसी चोरी करके क्या फायदा भैया, जहां अपने ही न हो। कहते हैं कि जो राजा होता अगर प्रजा ही न हो
तो राजा क्या महत्व, किस पर राज करोगे? राज करने के लिए प्रजा चाहिए। तो भाई प्रजा भी सुखी रहे, राजा भी तो चाहता है। जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो कहाँ का राजा भैया यार। लोग कहते हैं पेट ही नहीं रहेगा तो कमाएगा क्यों व्यक्ति? प्रतिद्वंदी है तभी तो युद्ध करने में मजा आ रहा है। आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो हारने की संभावना बढ़ती, तभी तो मेहनत करते हैं आप हैं कि मैं जीत जाऊं। जब आपके विपक्षी कोई हैये नहीं है तो आपके जीतने क्या मतलब, बताइए क्या मतलब? तो पक्ष विपक्ष का होना बड़ा जरूरी होता है। आप इस प्रकार की मिलावट कर रहे, इस प्रकार की चोरी कर रहे हैं, आने वाली नस्ल ही खत्म हो जाए, बिमराहा पैदा हो, रोगी पैदा हो। सोच लीजिए प्लास्टिक की चाव, और कोई पकड़ भी नहीं पाता, बड़े चाव से हम खाते हैं। दूध में पानी, पानी तक तो सही था भाई, चलो पानी मिला रहा, उससे कोई रोग नहीं पकड़ता था, बस दूध देने वाले को फायदा हो जाता था कि दूध का तो पैसा लेता था लेकिन आपको पानी देता था, ठगता तो है वो भी। लेकिन जो आजकल केमिकल युक्त दूध आ रहे हैं उसका क्या करें, वो तो ऐसा हुआ कि आपकी जान पैसा ले के आपकी जान हट रहा, आप ही से पैसा ले रहा, आपको मार रहा है और पता भी नहीं चल रहा है कि हमें ये रोग क्यों हो गया। प्लास्टिक वाले पनीर आ रहे हैं, बताइए। यहाँ तक कि आज मालूम चला है कि जो मांस मांस बिकता है वह भी व्यक्ति अपने लैब में बना के बेच रहा है। अब सोचिए जो प्राकृतिक रूप से मांस है वह कृत्रिम रूप से बना के बेचेगा मार्केट में, क्या नुकसान नहीं करेगा? और हम बड़े चाव से खाते जा रहे, व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा कि आप जहर खा रहे हो। आप अपने मौत का पैसा, अपने मौत के दिन को खुद पैसे से खरीद रहे हैं और करने वाला व्यक्ति बड़े चाव से करता जा रहा है। ये चोरियाँ हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको व्यक्ति देख नहीं रहा है और खुद गर्त में जा रहा है। लोग कहते हैं गड्ढा खोदने वाला एक दिन खुद गिरता है। अगर हम किसी को मारते जाएंगे जो कुछ बचबे नहीं करेगा, एक दिन वह व्यक्ति तो खाएगा ही ना, खुद भी मरेगा। लोग कहते हैं जो ईमानदार दूसरे के प्रति होता है वह अपने प्रति भी सही रूप से ईमानदार होगा। अगर हम दूसरे के प्रति चुट्टापना काम करते हैं, अपने भी जीवन में आप चुट्टापना काम करते हैं। याद रखिए यह शास्त्रों में भी कहा गया है, यहाँ तक कि इसको जैनियों ने भी बहुत कड़ाई से पालन करने को बोला है। आप अपने ही जीवन के कुछ छड़ों को न चुराइए, इसे उधर आलस्य करना, झूठ बोलना, आज नहीं आज तो कोई टाइम ही नहीं है, नहीं तो ये काम कर लिए होते। आप पढ़े अगर चोरी इस प्रकार के आलस्य कर रहे हैं, मतलब अपने जीवन के कुछ छड़ों को चोरी कर रहे हैं, तो पढ़ता चलता आपका जीवन में धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। चोरियाँ तो बहुत हैं, कुछ का तो पता नहीं चल पाता, जो प्रत्यक्ष वश हम वही पता कर पाते हैं, और प्रत्यक्ष चोरियों को तो पकड़ भी नहीं कर पाता है और न ही उस पर कोई दंड का विधान है। इसे नैतिकता रूप से स्वयं व्यक्ति को सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जहरीले पदार्थ नहीं मिलाने चाहिए। बताइए दूध में पानी, आप पैसा ले रहे हो दूध का और दे रहे हो पानी, ये भी कोई नियम है? चावल का पैसा ले रहे हो दे रहे हो प्लास्टिक, आजकल ये इतनी चोरियां बढ़ गई हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। जानता है व्यक्ति की चोरी करना गलत है, पाप है, शास्त्रों में भी इसका वर्जन है, वर्जित है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। बचपन सुनते आ रहे, स्कूल में भी इसके लिए मार खाए हैं कि झूठ क्यों बोल रहे हो, क्यों चोरी कर रहे हो, दूसरे का टिफिन खा जा रहे हो, किसी की पेंसिल चोरी कर रहे हो। दंडित किए गए, कुछ तो सुधर गए और कुछ माहिर हो गए चोरी करने में, और धीरे धीरे ऐसे चोर बन गए जिसे आज कोई पकड़ नहीं पा रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि जीवन में ऐसी गलतियां न करें, ऐसी चोरी न करें जिससे किसी को जान का खतरा हो, क्योंकि चोरी चोरी से बाज तो जाएगा नहीं, तय है। लेकिन कोशिश किया जा सकता है कि स्वयं कोई दूसरा कहे हम चोरी करते हैं, हम खुद अपने को सुधार सकते हैं। और जो चोरी करता उसे तो पता ही रहता, दूसरे को पता चले या ना चले, लेकिन जो चोरी करता उसे पता रहता कि मैंने चोरी किया है, तो खुद ही सुधरेगा तभी समाज भी सुधरेगा। कहते हैं ना हम बदलेंगे युग बदलेगा, दूसरे को सुधारना क्या, खुद को सुधार लें।
चोरी हम कर रहे हैं, हम ना करेंगे, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। भाई जमाना हमसे, हम जमाने से नहीं है, आपके हाथ में ताकत है कि बदल सकते हैं और ये समाज भी सुदृढ़ होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि जो शास्त्र के अनुसार नियम है उसका पालन करना चाहिए। तो अस्ते का पालन जरूर कीजिए आप लोग। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।